न्यू लाइट विद दीपक में एक बार आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, आज वर्गमूल का ये 8वां वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसी संख्याएं आपको प्रश्न में मिलेंगी, जो हम लोग सीखेंगे कि वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी। पूछा जाएगा कि उसमें हम किस छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या भाग कर दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आज गुणनफल और भागफल वाली सवाल हम हल करेंगे, अगले वीडियो में योगफल और शेषफल वाली हल करेंगे। तो गुणनफल और भागफल से संबंधित कोई भी प्रश्न वर्गमूल में अगर आता है तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको धीरज पूर्वक आज का वीडियो पूरा देखना होगा। कल का मैंने प्रश्न जो पूछा था कि 12.1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 12.1 का वर्गमूल होगा 3.47। तो जिनका जिनका 3.47 था उनका उनका सही था, जिसमें से अमित सिंह, राज सिंह पटेल, रियाज अहमद, रमन सिंह, राज रतन पटेल आदि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, 8 बजे या 8:30 बजे तक जिनका जिनका कमेंट आता है उन्हीं का मैं ले पाता हूँ, बाद का नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 7 बजे वीडियो पूरा देखिएगा, देखने के बाद आप हल किया करिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा करिए। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत बेहतरीन सवाल है जो परीक्षा में आमतौर पर पूछी जाती है। तो पहली सवाल, पहला प्रश्न है, 432 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे खास बात यह समझ लीजिए कि सवाल में जहां मैंने गुणा लिखा है, गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, अगर वहीं पर हम ये भी लिख दें कि भाग कर दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी उत्तर वही आएगा। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वही भाग वाले का भी उत्तर आएगा, ये इसकी खास बात है। यानी कि एक तीर से दो निशाना, पढ़ेंगे आप गुणा का लेकिन उसका जवाब भाग वाले में भी होगा और गुणा वाले में भी। तो चलिए पहले इसको, ये बहुत सरल सवाल है लेकिन मैं इसके भी पहले और सरल आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक संख्या है 8, तो क्या ये 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस 8 में हम किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणा करने के बाद जो आए वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो अगर हम 2 का गुणा कर दें इसमें, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 8 दूनी 16, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब देखो, 8 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो 64 हो जाएगा, और 64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन उत्तर 64 नहीं, उत्तर 16 होगा, क्योंकि यहां लिखा है ना छोटी से छोटी संख्या, तो सवाल में छोटी से छोटी लिखा है, तो यहां 8 का 8 में गुणा हुआ है और इस 8 से भी छोटा 2 है, 2 से छोटा कुछ नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 2 होगा। यानी इस 8 में 2 का गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। इसके लिए आंसर छोटी से छोटी संख्या में क्या आएगा? 2 आएगा, 8 नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि 8 में किस छोटी संख्या का भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर आप 2 का भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए गुणनफल में जो आंसर आया वही भागफल में भी आ रहा है ना। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 12, तो 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब प्रश्न पहला कि 12 में किस छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर हम 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 24 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 12 में 3 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 12 3 36, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा गुणनफल के लिए। लेकिन अगर भागफल कह दिया जाए तो भागफल में भी 3 का गुणा कर दो, यानी कि 12 में 3 का भाग कर दोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और ये 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपने ये देखा
कि इस तरह की सवाल जब पूर्ण वर्ग बनाना हो और गुणा के रूप में पूछा जाए कि यानी कि किसका गुणा करें या फिर कहा जाए किसका भाग करें, तो दोनों केस में उत्तर एक ही आता है। अब एक चीज तो आप समझ गए कि यहां बहुत छोटी संख्या हमने लिया था, इसलिए आप तत्काल जान गए गुणा करके या भाग करके कि आंसर क्या होगा। जैसे आठ में दो का गुणा करेंगे तो सोलह होगा, दो आराम से आप निकाल लेंगे, आठ दूनी सोलह। बारह में तीन का गुणा करेंगे छत्तीस होगा, तो तीन भी आराम से निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि बारह और आठ बहुत छोटी छोटी संख्याएं थी। लेकिन यही संख्याएं जब बड़ी हो जाती हैं, तब आप यहां तो आठ और बारह का पहाड़ा पढ़ लिए, वहां तो बड़ी संख्या हो गई, तो पहाड़ा कैसे पढ़ोगे? तो उसका फिर आपको एक नियम सीखना पड़ेगा, जो कि इस सवाल को मैं जो बताऊंगा उसमें नियम भी बताऊंगा। सवाल है ना कि 432 में किसका गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? मामला यही है पूरा, नियम यही है, लेकिन चूंकि संख्या बड़ी हो गई इसलिए इसको हल करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो तरीका सबसे आसान है, देखो 432 को आप लिख दो और 432 का गुणनखंड कर दो। क्या करो? गुणनखंड। और ये गुणनखंड भागफल, मतलब भाग करने के लिए कह रहा है तब भी गुणनखंड होगा, और गुणा करने के लिए कह रहा है तब भी गुणनखंड होगा। तो 432 का गुणनखंड करिए। मैंने बताया कि दो लास्ट में है तो दो से काटो, दो दूनी चार, दो एकन्नम दो छंग बारह, फिर दो से काटो, दो एकन्नम दो अट्ठे सोलह, फिर दो पंचे दस, दो चौक आठ, दो सत्ताईस हम चौवन, तीन नवा सत्ताईस, तीन त्रिका नौ, तीन एकम तीन, एक दो तीन चार, चार बार आ रहा है दो और तीन बार आ रहा है तीन। समझिए ध्यान से। अब मैं संख्याओं का, मतलब समान संख्याओं का जोड़ा बनाऊंगा। देखो दो का एक जोड़ा बना, फिर दो का एक जोड़ा बना, फिर तीन का एक जोड़ा बना। अब अगली जो तीन है वो बिचारी अकेली पड़ गई, उसका जोड़ा बन ही नहीं पाया। और जोड़ा क्यों बन पाएगा? अरे भाई ये तो 432 पूर्ण वर्ग संख्या थी ही नहीं, तो जोड़ा उसी का बनता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि 432 में किसका गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए एक्स्ट्रा में एक तीन बच गए। तो तीन भी बच सकता है, पांच भी, कुछ भी बच सकता है। तो जो बच गया, समझिएगा, जो बच गया अगर वही एक और होता तो क्या जोड़ा बन नहीं जाता? बिल्कुल बन जाता। अगर यहां तीन है, एक तीन और आया होता मान लो, तो जोड़ा बन जाता। इसका मतलब एक तीन की कमी है गुणा के रूप में। अगर यहां पांच है तो एक पांच और आता तो जोड़ा बन जाता। इसका मतलब एक लाइन में समझिए कि जो संख्या बच जाएगी जोड़ा बनाने के बाद, वही संख्या आपकी उत्तर हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तीन। यानी कि 432 में अगर हम तीन का गुणा कर दें तो जो भी गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चेक कर लो कि जो आता है वो पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं। 432 में तीन का गुणा करके चेक कर लो, तीन दो न छह, तीन त्रिका नौ, तीन चौ बारह, 1296। और 1296 किसका वर्ग है बताइए, ट्रिक से बताइए। तीन लास्ट में छह है, 36। 1296 36 का वर्ग है, यानी 1296 का वर्गमूल 36। तो आपका आंसर 1296 नहीं है, आपका आंसर तीन है। यानी कि हम 432 में तीन का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल 1296 आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगली सवाल है 640। पूरा मामला यही है, केवल मैं अंक बदल दे रहा हूं। 640 लिखा है, सवाल नंबर दो। 640 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 640 गुणनखंड कर दीजिए 640 का। बिना गुणनखंड किए देखिए काम आपका नहीं बन पाएगा। दो तिहाई छह, दो दूनी चार, दो जीरो में जीरो, दो सोलह बत्तीस एक जीरो, दो अट्ठे सोलह एक जीरो, दो चौके आठ एक जीरो, दो दूनी चार एक जीरो, दो दहमा बीस, दो पंचे दस,
पांच एकम पांच, जब तक जीरो आए दो से काटो, कोई भी सम संख्या जब तक आती है आप दो से काटिए। तो एक दो तीन चार पांच छह सात बार आया दो, एक दो तीन चार पांच छह और सात, और एक बार आया है पांच। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, जो दो है उसका जोड़ा नहीं बना क्योंकि अकेला पड़ गया, जो पांच है उसका भी जोड़ा नहीं बना, वो भी बेचारा अकेला पड़ गया। इसका मतलब कि अगर इसके गुणनफल में एक दो और होता और एक पांच और होता, तो एक दो और होता तो इस दो का जोड़ा बन जाता, एक पांच और होता तो इस पांच का जोड़ा बन जाता, यानी दो गुणित पांच की कमी है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दो गुणित पांच बराबर दस, यानी कि 640 में अगर हम 10 का गुणा करें तो 6400 होगा और 6480 का वर्ग होता है। क्लियर हो गई बात। जोड़ा बनाने के बाद अगर एक अंक बचता है तो वही आंसर है, दो अंक बचता है दोनों का गुणा कर दो, मतलब जितना बचता है बिना जोड़े में सबका गुणा कर दो, आंसर आपका आ गया। तो बात क्लियर हो गई ना। एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए, जहां मैंने 640 लिखा है वहां मैं लिख दे रहा हूं 52920, 52920। सवाल नंबर तीन, 52920 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 52920, दो दुनी चार, दो छंग बारह, दो चौक आठ, दो छंग बारह, दो जिलम में जीरो, फिर दो से दो एक कम दो, दो तिहाई छह, दो दुनी चार, दो तिहाई छह, दो दुनी चार, दो छंग बारह, दो छंग बारह, दो एक कम दो, दो पंचे दस। जब पांच आ जाए तो पांच से काटो, पांच एक कम पांच, पांच तिहाई पंद्रह, पांच एक कम पांच, से बचा पांच तिहाई पंद्रह, से बचा पांच दूना दस, पांच तिहाई पंद्रह, तीन दो पांच तीन आठ एक नौ, तीन से कटेगा, तीन चौक बारह, तीन चौक बारह, तीन एकम तीन, 441 आ गया, तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, दो बचे एक बचा 14 हो गया, तीन चौक बारह, तीन सत्ते 21, 47 100 आ गया, तीन से कटेगा, तीन चौक बारह, तीन नवा 27, अब ये तीन से नहीं कटेगा सात से कटेगा, सात एकम सात। अब समझिए, जोड़ा बना दीजिए, मैं वहां क्या लिखूं अलग से, एक जोड़ा इसका बन गया ठीक है, दो का जोड़ा नहीं बना, फिर पांच का भी जोड़ा नहीं बना, एक तीन का जोड़ा यहां बन गया और एक सात का जोड़ा यहां बन गया। क्या क्या बच गया, ये दो बच गया, ये पांच बच गया ठीक है ना, और यहां एक तीन बच गया। इसको अलग कर दो तो दो गुणित पांच गुणित तीन, दो पंचे दस तिहाई तीस, तो इसका मतलब कि 52920 में 30 का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गुणनफल वाला मामला समझ में आ गया। अब एक दो उदाहरण भागफल वाला भी देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है पहला, 864 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग कर दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए इसको हल करने के लिए मैंने अभी बताया ना कि चाहे गुणा करने के लिए कहे चाहे भाग करने के लिए कहे आपको गुणनखंड करना ही है। अगला उदाहरण मैं उस संख्या का लूंगा जिस संख्या का आपने गुणनफल वाले में निकाला था, जैसे कि क्या था 640 था, तो देखिएगा कि गुणनफल वाले में जो आंसर आया था वही भागफल वाले में भी आएगा। तो ये अलग उदाहरण है, पहले इसको समझ लो। तो 864 का क्या करेंगे, गुणनखंड, दो चौक आठ, दो तिहाई छह, दो दूना चार, दो दूना चार, दो सोलह 32, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो पंचे दस, दो चौक आठ, दो 27 हम 24, तीन नवा 27, तीन त्रिका 9 और तीन एकम 3। मैं इतना तेज गुणनखंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको गुणनखंड सिखाया है, तो जो व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं गुणनखंड नहीं सीखे हैं आप पीछे जाइए, आपको गुणनखंड का वीडियो मिलेगा ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिए। एक दो तीन चार पांच, पांच बार आया है दो और तीन बार आया है तीन,
जोड़ा बनाया जाएगा, दो का जोड़ा बना, फिर दो का बना, फिर उसके बाद इस दो का नहीं बना है ना, फिर इधर तीन का बना, यानी ये दो छूट गया और यहां एक तीन छूट गया, तो दो गुणित तीन बराबर छह, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये दो अगर ना होता इसमें और ये तीन ना होता इसमें, तो इसका 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 जोड़ा बन गया था, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग रहता, लेकिन इन दो और तीन ने आकर इसका खेल बिगाड़ दिया है, तो यही दो और तीन को गायब कर दो, इसका मतलब दो और तीन यानी कि दो तिहाई छह का इसमें भागफल कर दोगे, भाग कर दोगे, तो जो आएगा इससे कम वो एक पूर्ण वर्ग रहेगा। और गुणनफल के लिए भी आंसर छह होगा, क्योंकि यदि यही दो और तीन और आ जाए तब भी काम बन जाए, यानी गायब हो जाए इसका मतलब भाग हो जाए तब भी काम बन जाए, और एक्स्ट्रा में यही आ जाए यानी कि गुणा हो जाए तब भी काम बन जाए। इसलिए गुणा करने पर भी और भाग करने पर भी उत्तर वही आता है जो कि एक्स्ट्रा में बचा। उदाहरण के लिए आप अगली सवाल को देख लीजिए, 640 जो मैंने पीछे लगाया था, मान लीजिए कि 640 यहां लिखा है, सवाल है कि 640 में किस छोटी संख्या का भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका बना, इसका बना, इसका बना, ये दो का नहीं बन पाया, ये पांच का नहीं बन पाया, तो आंसर क्या हो गया, 2 × 5 यानी कि 10। और देखिए यही आंसर गुणा वाले में भी था कि किसका गुणा कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यही आंसर भाग में। तो वर्गमूल में यही एक सबसे बड़ा फायदा है आपको कि गुणनफल और भागफल के लिए उत्तर एक ही आता है, लेकिन जब आगे मैं आपको घनमूल पढ़ाऊंगा तो घनमूल में ऐसा नहीं होगा, घनमूल में आंसर अलग अलग रहेगा। और एक चीज और, अभी जब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि 864 में कौन सी छोटी संख्या को जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, तो उसका आंसर अलग आएगा। और अगर ये कहें कि इसमें कितना घटा दें कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसका भी आंसर अलग आएगा, यानी योग और मतलब जोड़ और घटाने वाले में आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन गुणा और भाग वाले में आंसर एक ही आएगा, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे एक दो सवाल और समझ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका, ताकि ये जो आपके सामने प्रश्न लिखा है ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। इस प्रश्न में केवल ये प्रश्न मान लो मैथ का है ही नहीं, ये प्रश्न जो है रीजनिंग का है, दिमाग का है। सवाल लिखी है कि 1764 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग कर दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1764 खुद पहले से ही एक पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर भी अगर आप नहीं जानते थे तो 1764 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, फिर 3 से कटेगा, 3 × 12, 3 × 7 = 21, फिर 7 से कटेगा, इस तरह से कट गया। अब देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं। तो जब जोड़ा बन गया तो उसी का जोड़ा बनेगा ना, जो वर्ग संख्या रहेगी, तो इसका मतलब कि 1764 खुद एक वर्ग संख्या है, तो इसमें फिर गुणा करने की क्या जरूरत है किसी की, या भाग करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब कि हम आंसर दे दें नॉट, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इनमें से कोई नहीं दे देंगे तो आयोग गलत मान लेगा, क्योंकि एक संख्या है एक, अगर आप एक का भाग करेंगे तो 1764 में एक का भाग करेंगे तो 1764 ही आएगा, और 1764 में अगर एक का गुणा करेंगे तब भी 1764 ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर एक होगा, एक का गुणा करने पर या एक का भाग करने पर वर्ग रहेगा। और जीरो तो कर ही नहीं सकते, जीरो कर दोगे तो जीरो हो गया, दो की कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, एक और डी में फर्क है, तो आप डी इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आपको ये कुछ ना कुछ भाग करने के लिए कह रहा है, और अगर आप एक का भाग करते हो तो वो गलत नहीं होता है। हाँ, अगर विकल्प में एक ना होता, दो होता, तीन होता, जीरो होता और नन ऑफ दीज होता, तब आप नन ऑफ दीज लगाते कि इनमें से किसी का भी भाग करेंगे तो वर्ग नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए नॉट होगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में एक रहेगा। तो ये हो गया आज का जो आपने समझा चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखे कि गुणनफल और भागफल
पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, उसके लिए संख्या कैसे निकाली जाती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही से जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल है 11111 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यही एक सवाल है, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल का वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा आपका दिमाग भी खर्चा करना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। तो कल के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।